स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो हमने आपको रिलेशन पढ़ाया था मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, एयर गैप पावर में और हमारा जो रोटर का कॉपर लॉस है उनके बीच में जो रिलेशन बताया था, उसी के बेस पे ही हमारा एक न्यूमेरिकल है। ओके, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं आपसे, क्या लिख लिया करिए, गिवेन, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया करिए। ओके, तो क्या दिया है, द पावर इनपुट टू अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज 60 किलो वॉट। पावर इनपुट मतलब इनपुट पावर जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए वो क्या है, 60 किलो वॉट। तो इनपुट पावर किसमें है, स्टेटर में। हमने आपको बताया था कि क्या होता है, एक स्टेटर होता है और फिर क्या होता है, रोटर। तो हम जो देते हैं वो किसमें देते हैं, स्टेटर में। तो ये जो इनपुट पावर होगा वो क्या होगा, स्टेटर का पावर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद स्टेटर में कुछ लॉसेस होंगे, फिर जो पावर बचेगा वो किसमें आएगा, एयर गैप में। और यही जो एयर गैप पावर होगा वो रोटर के लिए क्या होगा, इनपुट पावर होगा। फिर जो इनपुट पावर रोटर का जो पावर होता है उसमें से जब हम रोटर की कॉपर लॉस माइनस कर देते हैं तो जो पावर बचेगा वो मैकेनिकल डेवलप पावर बचता है। और जो मैकेनिकल डेवलप पावर है इसमें से जब रोटेशनल लॉसेस माइनस करते हैं तो जो बचता है वो क्या बचता है, आउटपुट पावर बचता है, ठीक है। ये पूरा हमने पावर फ्लो डायग्राम पढ़ाया हुआ है, इनके बीच में रिलेशन बताया है। तो प्लीज जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पहले हमारी प्रीवियस क्लास देख ले। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, इनपुट पावर 60 किलो वॉट। उसके बाद स्टेटर लॉसेस, स्टेटर के टोटल लॉस दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेटर के टोटल लॉस दिए हैं सारे मिला के, इसमें कॉपर लॉस, कोर लॉस सब आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, स्टेटर टोटल लॉस 1 किलो वॉट। उसके बाद फाइंड द मैकेनिक टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। फाइंड क्या करना है, मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब PMD फाइंड करना है, एंड रोटर कॉपर लॉस पर फेस और PCU पर फेस फाइंड करना है, ठीक है। अगर मोटर रनिंग है स्लिप ऑफ 3%, मतलब मोटर किस स्लिप से रन कर रही है, 3% मतलब 0.03 गिवन है। ये तीन चीज गिवन है, ये फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहला हमने क्या, स्टेटर है, स्टेटर में इनपुट आया, फिर स्टेटर की लॉस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एयर गैप पावर, ठीक है। तो PG निकालेंगे या फिर इसी को बोलेंगे रोटर का इनपुट पावर, वो क्या होगा, स्टेटर का इनपुट माइनस स्टेटर के जो लॉसेस है वो, ठीक है। तो स्टेटर इनपुट पावर क्या है, 60 किलो वॉट, और लॉसेस क्या है, 1 किलो वॉट। तो ये कितना आ जाएगा, 59 किलो वॉट। ये आ गया एयर गैप पावर, ऐसे को बोलेंगे रोटर का इनपुट पावर। ओके, अब फाइंड क्या करना है हमें, कॉपर लॉस पर फेस। तो हम जो फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया हुआ था, जो रिलेशन है, उससे जो कॉपर लॉस आता है वो तीनों फेस का आता है, ठीक है, क्योंकि थ्री फेस मोटर है तो टोटल पावर लॉस आता है। तो जो रिलेशन फाइंड किया था वो क्या था, PC = S × PG। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, हमने रिलेशन फाइंड करा चुके होंगे, PC = S × PG। तो कॉपर लॉस फाइंड करना है, S स्लिप दी है ऑलरेडी, कितना है, 0.03, और ये हमने निकाल लिया है PG कितना है, 59। तो ये हमारा कॉपर लॉस जो है वो हमारा आ जाएगा कितना आएगा, 1.77 किलो वॉट। ओके, बट ये जो पावर है कॉपर लॉस है, ये क्या है, टोटल थ्री फेस का, थ्री फेस पावर लॉस है, ठीक है, कॉपर पावर लॉस है। तो पर फेस फाइंड करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, थ्री फेस मोटर है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारा पर फेस पावर कॉपर लॉस कितना आ जाएगा, 0.59 किलो वॉट। तो ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, 0.59 किलो वॉट, ठीक है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखा करिए, अगर यहाँ पे किलो वॉट दी है ये भी किलो वॉट में होना चाहिए, हो सकता है ऐसा हो कि ये 60 किलो वॉट दिया है और ये 1 वॉट ही दिया है, तो इसको पहले आपको यूनिट को किलो वॉट में चेंज करना होगा या फिर इसको वॉट में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो है वो किस में दी है, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो किलो वॉट हो, वॉट वॉट हो, जो भी यूनिट है वो सारी यूनिट क्या है, सेम एक उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया कॉपर लॉस पर फेस। अब हमें क्या फाइंड करना है, PMD, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। तो उस
सिंपल सा जो हमने पावर फ्लो डायग्राम बताया था उसमें बताया था मैकेनिकल डेवलप पावर पीएमडी क्या होता है, जो रोटर का इनपुट है और रोटर का कॉपर लॉस है। रोटर के इनपुट में से रोटर का कॉपर लॉस माइनस कर देंगे तो मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाता है पीएमडी। तो ये क्या है, रोटर का इनपुट कितना आया था हमारा 59 किलोवाट और रोटर का जो कॉपर लॉस है वो कितना आया है, टोटल लेंगे हम तो 6 से 1.77, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 57.23 किलोवाट, 57.23 किलोवाट। ठीक है, ये आ गया मैकेनिकल पावर डेवलप 57.23 किलोवाट। और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पीएमडी इक्वल टू क्या होता है 1 - S × Pg, ये रिलेशन भी आपने पढ़ा है। तो यहां से भी अगर आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा 57.23 किलो। तो हमें ये दोनों चीज फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली मैकेनिकल पावर डेवलप और कॉपर लॉस पर फेज। तो इस तरीके से अगर आपको ये रिलेशन याद है, ठीक है, किसमें से कौन सा पावर, तो इसके लिए आपको जो हमने पावर फ्लो डायग्राम वाला एक लेक्चर दिया है और उनके बीच के रिलेशन, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस पावर में से कौन सा पावर लॉस करेंगे तो कौन सा पावर आएगा, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आप डायरेक्ट इन रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें से इसको माइनस करो तो ये बचेगा, इसमें से ये करो तो ये बचेगा, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।